ये तो रागिनी सिंह बाहुबली विकराल सिंह की एक लौती दबंग बेटी। बस यही इसकी पहचान है। इसके लिए रिश्ते और संस्कार इन सब की कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। मिस्टर जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? काम इस घर की बहू नहीं है का? नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो। तुम तो एक बड़े घर की बेटी हो, जिसके लिए इंसान या इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं। मिस्टर जी, आपको कुछ गलत लग रहा है। ओह नो, मैंने फिर कुछ गलत कर दिया। अब तुम क्या करोगे? अब तुम मुझे सजा दोगी ना? डायरेक्ट बंदूक से उड़ाओगी या मेरे सर पे बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करोगी? क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? अनुराग, अनुराग रुको। अनुराग, ये कहा मजाक है? बेचारी को त्योहार के दिन डरवा रहे हो। अरे इतना ही गलती लग रहा था, भाग के मनाने काहे गए थे? डरा रहा हूं? मां मजाक तो आप कर रही हैं। रागिनी जी किसे डरती नहीं है, बल्कि लोग उनसे डरते हैं। और वैसे भी मैं उसे मनाने नहीं गया था, मैं उसे इस घर में वापस लाने गया था, ताकि उसको ये पता लग सके कि मेरे साथ उसने आखिर किया क्या है। का ऐसा भी क्या कर दिए हम आपके साथ? बताता हूं सब बताता हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, उसे एक कहानी समझ के सुन लेना, क्योंकि कहीं उसमें तुम्हें मेरी तकलीफ ना दे जाए। मेरे बाबूजी की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे लंदन भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, यही सोच के कि बेटा अगर फौरन से पढ़कर वापस आएगा तो शायद इस घर के दिन बदलेंगे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर आऊंगा, अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट से घर आते समय तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा के सर पर बंदूक रखकर मुझे उठवा लिया, फिर चाचा को गन पॉइंट पे रखा और मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। हिम्मत जुटा के एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लेने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई पराग ने उसे भी बिगाड़ दिया। बिल्कुल टूट चुका था मैं। सभी उम्मीदें खो देने के बाद मैंने अपने फैमिली की एक लास्ट होप के लिए पीडीओ ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट और लेना चाहा, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था बोलो ना। अनुराग, क्या बोल रहे हो तुम? अरे उसे पुराना बात था, जो हो गया सो हो गया। रागिनी तुम्हारे साथ ऐसा काहे करेगी? क्या ये जवाब तो आपकी रागिनी बहू ही आपको दे सकती है चाचा। पूछिए इससे, यही चाहती थी कि मैं यहां आप सबके साथ रहकर कुछ काम ना करूं, बल्कि ये चाहती थी कि मैं यहां से वापस लंदन चला जाऊं। पूछिए। नहीं नहीं बेटा, रागिनी बहुरानी ऐसा तो नहीं कर सकती है। बताओ मां को, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुमने उस वीडियो ऑफिसर को जान से मारने की धमकी देके मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया था?
बताओ सबको कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ हम ऐसा किए थे। बस रागिनी, बस सबने जो सुनना था ना वो सुन चुके हैं। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मेरी जिंदगी के साथ जैसे चाहो वैसे खेलोगे? हाँ तुम सबने यहाँ एक बिजनेस ग्रेजुएट को यहाँ पे एक जोकर बना के रख दिया। अनुराग बेटा हम मानते हैं कि बहुरानी से गलती हो गया, लेकिन पुराना बात हो गया, माफ कर दो। माँ ये सब पुरानी बात समझ के मैं अब तक कब का लंदन वापस चला गया होता, लेकिन ये मैडम रागिनी सिंह और इनका जो परिवार है ना ये पुरानी बातें कभी नहीं भूलते। जैसे विकराल सिंह को पता लगता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के हमेशा के लिए घर आ चुकी है, वो इंसान इस घर को मां शमशान बनाता, शमशान। मां ये जो गुंडे है ना इनसे ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी, पर मैंने मैंने वो दोनों कर लिए। इसलिए मैं आप सबको यहां छोड़ के लंदन नहीं जा सकता, और जाता भी ना तो सुख चैन से नहीं जी पाता। इसलिए मैं यहीं रह के अपनी और अपने पूरे परिवार की प्रोटेक्शन कर रहा हूं। वो कहते हैं किसी इंसान की पीठ अगर दीवार से लग जाए तो उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे भी वही करना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पे आके मनाया, तुम्हारे अम्मा और तुम्हारे बाबूजी का विश्वास जीता, अपना बिछड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिवाइव किया और वो सब छीना जो तुम सबने मुझसे लिया था। इसका मतलब आप हमारा इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ। क्योंकि तुम सबने मेरा मिसयूज किया था। मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं था रागिनी, इज्जत और चैन से जीने का कोई ऑप्शन तुमने छोड़ा ही नहीं मेरे पास। अगर इंडिया में जीता तो यूं छिप छिप के जीना पड़ता, और अगर लंदन जाता तो डर के जीना पड़ता। इसने मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि तुम क्या करोगी मिस रागिनी सिंह। देखो अब तुम यहां से घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे ज्यादा भरोसा मुझ पर करते हैं, और जिस फैमिली के दम पर तुम मुझे आंखें दिखाती थी आज वो फैमिली तुमसे ज्यादा मेरी है। अब तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी आई रियली डोंट केयर, लेकिन मैं ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। अनुराग बेटा मानते हैं बहुरानी से गलती हो गया है, लेकिन माफ मुझसे गुनाह क्या है गुनाह, और अब इसका और मेरा हिसाब ना बराबर हो चुका है। इससे ज्यादा और टाइम नहीं है मेरा इस पे जाया करने के लिए, मुझे और भी बहुत काम है। वो अभी गुस्से में है, तुम फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बीवी की ये शिकायत दूर कर देता हूँ, इसलिए मैं रागिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं चला गया। मंगलसूत्र? हाँ मंगलसूत्र कहाँ गया? वो तो हम गलती से ना घर पे भूल आए हैं। ओ तुम गलती से भूल आई थी तो मैं इसीलिए याद से वापस लिया। अब तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी आई रियली डोंट केयर। मैं उसे मनाने नहीं गया था, मैं उसे इस घर में वापस लाने गया था।
बैठिए भैया। तुम्हारा गिफ्ट खोल के देखो। भैया हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उसे अपने पास रखिए। लेकिन सृष्टि, सृष्टि अगर तुम हमारे हाथ से तोहफा नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले में तोहफा दे तो सकती हो। हम सब चाहते तुम हमें छोड़ के मत जाओ, यहीं रुक जाओ। भैया जिस दिन हमें ये घर अपना लगने लगेगा हम यहाँ जरूर वापस आएंगे, लेकिन अभी हमारे सामने हमारी जिंदगी के कुछ मुश्किल सवाल हैं, पहले हमें उसका जवाब खोजना है। मतलब आप हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ कि मैं ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। जिस हक की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बाद हम अपना पूरा आत्मसम्मान खो बैठे हैं, लेकिन अब नहीं। रागिनी सिंह तुम और नहीं रोंगी। सृष्टि, हम तुम्हें
तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना ना हमारा कोई काम नहीं होता। क्या हुआ सृष्टि, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाचा जी की तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन हमें कोई और बात परेशान कर रही है। कौन सी बात? पूनम, हमने ससुराल को तो छोड़ दिया है, लेकिन ससुराल के रिश्ते हमें छोड़ ही नहीं रहे। कल विशु जी अपने पापा के साथ हमारे घर आए थे, हमने देखा कि अभी भी दोनों फैमिलीज को उम्मीद है कि हम वापस आ जाएंगे उस रिश्ते को निभाने के लिए जिसे हम कब का पीछे छोड़ा है। उन सब की ये होप देखकर हमें बहुत डर लगता है पूनम। देखो सृष्टि, ये उम्मीद ना हमेशा सबके मन में रहेगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। आजकल तो हमें सही गलत का अंदाजा ही नहीं होता। हमें मालूम है कि हमें विशु जी की उम्मीद तोड़नी होगी, और अगर जल्दी नहीं तोड़ी तो उन्हें आगे जाके और तकलीफ हो सकती है। इस बात का एहसास हमें शेखर ने कराया। शेखर जी ना सही कह रहे हैं, तुम्हें ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे विशु जी का प्यार तुम्हारे प्रति कम हो जाए। तुम सही कह रही हो पूनम, हमें जल्दी ही ऐसा करना होगा। लेकिन हम नहीं चाहते विशु जी को थोड़ी सी भी तकलीफ हो, लेकिन उनका इलाज इसी तकलीफ में है। लगता है मैंने हड्डियां तोड़ने वाली राकिनी सिंह का पूरा गुरूर ही तोड़ दिया। एक ही पल में तुम्हारा सब कुछ छिन गया ना। तो कैसा लगा मेरा ये दाव? वाह, बहुत खूब ताव खेला है आपने मिस्टर जी। ऐसा ताव खेला कि हमारा सब कुछ टूट गया। लेकिन एक शिकायत है आपसे मिस्टर जी, आप ही जो ताव खेले हैं ना, ये आंखों में आंख डाल के नहीं खेले, हमारी पीठ पे छुरा मारा है आपने। मिस्टर जी, गंदगी इतनी ज्यादा है ना कि अब कुछ सुला सफाई के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी ना आपसे एक बात कहना चाहेंगे, ये जो आप हमें गलत साबित किए हो ना, वो सब ना हम आपकी भलाई के लिए किए थे। पराग भैया ने जो किया है ना वो गलत था, हमें पता होता ना तो हम उसे रोक लेते। हम इस घर से इसलिए गए कि आप हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते। लंदन जाने के लिए आपको इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि आप बाबूजी के गुस्से से बच जाएं। मिस्टर जी, हम आपके साथ बुरा जरूर किए, लेकिन बुरा कभी चाहे नहीं। लेकिन अब जब आपने हमारी सादी सजा ही बना दी है, हम आपको ना इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद ही हमें हमारे घर वापस छोड़ के आएंगे। और ये चैलेंज है हमारा। क्योंकि का है ना, बड़े दाव में जितना बड़ा जीत होता है उतना ही बड़ा हार भी होता है।